राम राम सभी भाइयों को। आई होप सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में और नए नए ब्लॉग में। आज ये चौथा ब्लॉग है। आज सुबह सुबह निकल गए हैं, देखते हैं DLW के अंदर कैसा नज़ारा है, क्या पंडाल लगा है। शायद DLW में सबसे बड़े रावण बनते हैं, रावण का पुतला बनता है जो कि DLW में सबसे बड़ा है। तो चलिए आपको दिखाएंगे, चलते हैं वहाँ पे, देखें पहले क्या तैयारी है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुबह सुबह निकले हैं, काफ़ी खाली खाली रास्ता है क्योंकि अभी छुट्टी का दिन चल रहा है। दो संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी है सबकी, तो काफ़ी खाली रास्ता है। ये चितईपुर से भिखारीपुर के लिए रोड ये जा रही है जिस पर भी हम लोग चल रहे हैं। पहले इधर इतना डेवलप नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। इधर काफ़ी महंगी ज़मीनें भी हो चुकी हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। हमसे थोड़ा बहुत रोड भी दिखा दिया आप लोगों को क्योंकि ब्लॉग में सब कुछ ही होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए सामने एपेक्स हॉस्पिटल इधर देख पा रहे, बगल में हम लोग राइट साइड में, सामने जो कि एक भिखारीपुर चौतिराहा आता है। सीधे चले जाएंगे तो DLW, सीधे चले जाएंगे तो DLW और राइट साइड चले जाएंगे तो सुंदरपुर, और इधर पीछे मान लीजिए चितईपुर तो है ही। तो चलिए मिलते हैं आगे। चलते चलते DLW के अंदर चल रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको। ये बगल में देख पा रहे होंगे आप लोग इस साइड में, यहाँ पे FCI है जो DLW का गोदाम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रक, और ये देखिए नया इंजन जो बन के जाता है, ये देखिए यहाँ से नया इंजन बन के, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन शायद बन रहा है यहाँ पे। डीजल इंजन देखिए वापस आ रहे हैं सब। ये रहा देखिए FCI का गेट, ये देखिए यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है। देखिए ढेर सारा इंजन, ये शायद डीजल इंजन है क्या, नहीं इलेक्ट्रिक इंजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे अब डीजल धीरे धीरे बंद हो गया है। जब बन के निकलते हैं तो जो एक गेट सामने दिख रहा है ब्लू कलर का, उसी में से इंजन आते बाहर। ये DLW का गेट आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने DLW का गेट है। इसको दूसरा गेट बोलते हैं क्योंकि पहला मेन गेट उस साइड है। ग्रीनरी है यहाँ पे, या तो बनारस में DLW में मिलेगा ऐसा ग्रीनरी, और या तो फिर BHU के अंदर। बस ये दो जगह के पेड़ आपको दिखेंगे। और यहाँ पे अगर रात में आते हैं ना तो अगर ठंडी, अगर बाहर में शहर में अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो यहाँ 28 डिग्री, 2 डिग्री और डाउन ही रहता है। देखिए DLW का क्या बोलते हैं इसको, चलिए मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, मुझे नाम ध्यान से उतर गया। आज तो सारा बंद, ऑफिस ऑफिस सब बंद है। आपको रावण भी दिखाएंगे जो कि सुबह के समय का, शाम को तो बहुत भीड़ होगा तो देखते हैं अगर आना होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर अभी दिखा देते हैं रावण को दिन में ही आप लोगों को। देखिए DLW में टनल बनना है, यहाँ से राइट साइड चले जाएंगे तो GMP चले जाएंगे, GM ऑफिस, और सीधे चले जाएंगे टनल के अंदर चले जाएंगे। चलिए टनल से चलते थोड़ा देखते हैं टनल कैसा लगता है आप। ये देखिए टनल है, ये लगभग 3-4 साल पहले ही बन के तैयार हुआ, बहुत हद ही 5 साल हुआ होगा इसको बन के तैयार होने में, उसके पहले ये नहीं था। मतलब बनारस में तो ऐसा टनल नहीं था जैसे कि DLW कैंपस के अंदर ये बना हुआ है। देखिए एकदम अंधेरा हो जा रहा, सामने उजाला दिख रहा होगा आप लोगों को। काफी अच्छा बना है DLW, जो लोग जॉब करते हैं ना उनसे पूछेंगे तो यहाँ से कोई छोड़ के जाना नहीं।
नहीं चाहता DDLW, अगर कहीं से बाहर से भी आया है तो यहाँ से जाना नहीं चाहता। चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं अपन से जो हो पा रहा है उसको दिखाएंगे हम लोगों को। देखिए कैसे कैसे सब बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो रावण को मतलब खड़ा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे ही दिखाते हैं आपको। ये DLW ग्राउंड है, देख रहे हैं DLW ग्राउंड है। ये रावण के 10 मुंडी बनेंगे, फोकस नहीं कर रहा, फोकस ही नहीं कर रहा। ये देखिए रावण के 10 सर बने हुए हैं, अब ये देखिए वो भी आ रहे हैं। जो अभी धीरे धीरे अरेंजमेंट किया जा रहा है इन लोगों का, तो आज मंडे है तो इसकी वजह से धीरे धीरे अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक एक करके सजाया जाएगा इनको, मतलब लगाया जाएगा, सॉरी। अब इसके अंदर में वो कर रहा हूँ, उधर उस साइड देखिए लोगों को बैठने का जगह, उस साइड बैठने का जगह बना हुआ है। आप लोगों को रावण मेघना रावण और कुंभकर्ण सबका भी दिखा दिए, अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कल तक शायद तैयार हो जाए, कल तक तैयार हो जाएगा। तो सामने डीजल इंजन जो पुराने हैं इसको लगाया गया सजावट के लिए। सामने देखिए एकदम सामने जो है अधिकारी क्लब है, सामने अधिकारी क्लब। इस साइड चले जाएंगे तो सीधा सुर सरोवर की तरफ आप निकल जाएंगे। सुर सरोवर जी को छठ में देखेंगे आपको, अगर यहाँ पे रहेंगे बनारस में तो आपको जरूर दिखाएंगे छठ में यहाँ पे कितना भीड़ होता है और कैसे यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, ये देख पा रहे बगल में ये DLW अधिकारियों का घर है जो कि DLW द्वारा अलॉटमेंट किया जाता है। सुर सरोवर, अब देखिए सफाई वफाई होना स्टार्ट हो गया क्योंकि छठ भी लगभग 15-20 दिन 25 दिन में आने वाला है, तो इसकी वजह से आप सफाई और उस दिन जो मैंने कार्डियो करके दिखाया था आप लोगों को जंगल में, वो ये है। अगर जो नहीं देखे हो जाके चेकआउट करें, ये जंगल है वो देखिए बगल में। ठीक है, इसी में मैंने कार्डियो दिन लगाया था, सफार डिप सब लगाया था, जो वीडियो में के माध्यम से आपको दिखाया। चलते हैं आगे और देखा जाए क्या सीन है। ये आप बगल में देखिए इस साइड ये कुश्ती केंद्र, यहाँ पे बच्चे कुश्ती करते हैं। सीधे चले जाओगे तो DLW मार्केट चले जाओगे, राइट साइड चले जाओगे तो बुल्लनपुर स्टेशन। ठीक है, और ये बगल में मेरा स्कूल जहाँ से मैंने इंटर किया है, ये बगल में देख पा रहे हैं आप लोग इंटर कॉलेज है। ये छोटा सा ब्लॉग अपना था जो कि चितईपुर से लेकर DLW तक का ब्लॉग था, आप लोग
कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने वीडियो बनाया है, जैसा वो देख पा रहे हैं आप लोग। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और जितना ज़्यादा ज़्यादा प्यार दिखाए वीडियो पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।